आजकल आपने एक टर्म सुना होगा, और हर दूसरा व्यक्ति, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट है चाहे वो प्राइवेट में है, SIP कराता है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ साथ इस वीडियो को देखने से पहले दो बिजनेस मॉडल्स बताए मैंने आपको, आधार कार्ड सेवा केंद्र कैसे खुलेगा, और साथ साथ कंप्यूटर सेंटर की जो डिमांड है वो सडनली ग्रो अप कर गई है उसका मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि आपके पास अगर कुछ पैसा है तो आप उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। तो मैं हूँ अभिषेक, आप देख रहे हैं मनी मैटर्स का 5वां एपिसोड, जिसमें आज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। और इट्स जस्ट इन्फॉर्मेशन, आप जब भी अपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो पूरी रिसर्च करके जाइएगा और समझ के जाइएगा, क्योंकि पैसा आपका है और स्मार्ट इन्वेस्ट आपको ही करना है। मैं या मेरे जैसे चैनल्स सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, बाकी डिसीजंस तो आपके खुद के होते हैं। दोस्तों, SIP पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा बूम में आई है। क्यों आई है पहले ये समझ लीजिए। देखिए, मेथड बहुत आसान है, आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, जब चाहें बंद कर सकते हैं, जब चाहें खोल सकते हैं, जब चाहें कुछ अमाउंट उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि हमारी मंथली रेकरिंग्स में नहीं होता। या हम जो किसान कार्ड खरीदते हैं या डाकघर में हम रेकरिंग्स खोलते हैं, उसमें लॉकिंग टाइम हमारा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। SIP में ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी चीज़, मीडियम क्लास के लिए SIP बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि मीडियम क्लास की जो सैलरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, या कहूँ खर्चे बहुत होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर ज़ीरो होती हैं। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आई थिंक ज़्यादातर लोग मीडियम क्लास के होंगे, तो वो अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो इसके थ्रू बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपके 20,000 रुपये आपकी सैलरी है और महीने के अंत में आपके पास सारे खर्चे बचाने के पास 1 या 2 हज़ार रुपये बचते हैं। मुश्किल है लेकिन बचते हैं अगर, तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी गोल के लिए। गोल, मान लीजिए आपको एक बाइक खरीदनी है, अभी आप ट्रैवल करते हैं ऑटो से, आपको एक बाइक खरीदनी है और आपका बाइक खरीदने का गोल, आपकी बाइक 50,000 की है और आपको नेक्स्ट ईयर वो ख़रीदनी है, तो आप 1,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। और जब जब आपके पास ज़्यादा पैसे बच रहे हैं, मान लीजिए किसी महीने में आपको बोनस मिला और वो बोनस को आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि उस बोनस से भी आप कुछ इंटरेस्ट कमा लें, उस केस में आप SIP में पैसा डाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि सिर्फ 500 रुपये से आप SIP कर सकते हैं और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं काफ़ी ईयर्स तक। जब आप SIP स्टार्ट करते हैं तो एक गोल आपके मन में होता है, गोल इन द सेंस ऑफ कि आप इसको कितना लंबा लेके जाना चाहते हैं। अमूमन जब हम SIP कराते हैं ट्रायल बेसिस पर, तो हम 1 साल के लिए उसका रिटर्न्स देखते हैं, उसके बाद हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। SIP जब चाहें तब तक आप करा सकते हैं और जब चाहें तो उसको बंद भी करा सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपने किसी की SIP कराई और वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसमें जो भी नॉमिनी होगा उसको वो SIP ट्रांसफ़र भी हो जाती है। SIP कराने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? सिंपल, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, साथ साथ आपकी KYC में यही सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अब आप SIP कराएं कहाँ से? देखिए, जो SEBI से रजिस्टर्ड लोग होते हैं या जो एजेंट्स होते हैं या ब्रोकर्स होते हैं, उनके साथ आप करा सकते हैं जिन्होंने उस एग्ज़ाम को पास किया होता है। नहीं तो आज की डेट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अगर आप ब्रोकर के पास नहीं जाना चाहते हैं तब आप ऐप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिसमें आप अपने पोर्टफोलियो को जनरेट कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि कौन सी SIP में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं। रिटर्न्स की बात करता हूँ तो 10 से 15% के बीच में रिटर्न आपको मिलता ही है। हालांकि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट कि मार्केट आपको कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर मार्केट कंसिस्टेंट बेसिस पे अच्छा है, जो कि करंट सिचुएशन में अच्छा रहेगा, लेकिन मार्केट के ऊपर प्रभाव किन चीज़ों का पड़ता है? मार्केट के ऊपर प्रभाव पड़ता है, कोई आपदा आ जाती है, टेररिस्ट अटैक हो जाता है, इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना की टेंशन होती है, या कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट गवर्नमेंट की तरफ से होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसान आंदोलन था या चल रहा है, या कोई ऐसा आंदोलन खड़ा होता है जिसमें इकोनॉमिकली क्राइसिस आते हैं, तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट भी
शेयर मार्केट पर पड़ता है, खास तौर से जो खाद्य पदार्थ की चीज़ें होती हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब जब गर्दिश के दिन हो, यानी कि जब SIP आपकी थोड़ी सी डाउन चल रही हो, क्या हमें विड्रॉ करना चाहिए? देखिए, इस तरह पर्सनल चॉइस, लेकिन मैं ये अपने लेवल पर कहता हूँ क्योंकि 4-5 साल से मैं भी चला रहा हूँ। मैंने वो दिन भी देखे जब मेरे इन्वेस्टमेंट जो थे माइनस में चले गए। मैंने 50,000 का इन्वेस्टमेंट था एक, और उसमें 30,000 के करीब हो गया था, मैं 20,000 के लॉस में था। लेकिन मेरे जो एजेंट है, जो मेरे भैया हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तू लगा रहे, इसको छोड़ना नहीं। आज उसी में मैं 30,000 के ऊपर चल रहा हूँ। तो अगर आप मार्केट के साथ चल सकते हैं, मार्केट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, मार्केट की मेथोलॉजी को समझ सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल अब नहीं रहा है, कोई भी एक टर्म आप YouTube पर सर्च करिए या आप सर्च करिए Google पर, आपको सारी मेथोलॉजी मिल जाती है। अब आप ब्रोकर के कहने पर भी कुछ नहीं कर सकते, आप उसकी बातों को नोट करके आप अपने लेवल पर भी चीज़ों को कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ आज की डेट में हो गई है, क्योंकि एजुकेशन लेवल जो है वो काफ़ी बढ़िया हो गया है। तो अगर आप मार्केट के साथ चल सकते हैं और धैर्य रख सकते हैं, तो आप SIP में इन्वेस्ट जरूर करें, क्योंकि SIP आपको लॉन्ग टर्म्स में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, जिसमें मैंने SIP के बारे में आपको बताया। अगेन कहूँगा, इट्स योर चॉइस, मेरे कहने से मत इन्वेस्ट कीजिएगा, और जहाँ आपको सही लगे वहीं पर इन्वेस्ट कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और इस तरह हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।